कल हम पढ़ रहे थे भाग और अनुच्छेद। कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाए थे? भाग दस तक। अनुच्छेद क्या था? 244 और उसमें क्या था? एससी और एसटी के लिए काम आया। ओके, आज करते हैं हम वैसे ही टेबल बना लेना। भाग जो है हमारा 11, ठीक है 11, और उसमें हमारे आर्टिकल हैं 245(2). आप क्यों लिख रहे हो? पेज ले आओ, पेज ले आओ, उसमें पेन है यहाँ से रुक देखो इधर है मैं तो पेज बड़ा हो गया सर, ये देखता हूँ पेज बड़ा हो गया सर, पेन दे दे इनको। दूसरा लड़का था सुबह मिला हुआ उसको बोल रही है, ठीक है 245 to 263, 245 से 263 जो है इसमें अनुच्छेद है, ठीक है भाग 11 आर्टिकल 245 to 263। अब इसमें है क्या? इसमें है संघ और राज्य के संबंध, ठीक है यानी कि हमारे कितने स्टेट है 28, ठीक है राज्य 28, संघ देश के लिए लिखा गया है, भारत के लिए लिखा गया है, तो भारत और राज्यों के क्या संबंध है वो है हमारे भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263। आगे है हमारा भाग 12 और इसमें अनुच्छेद है हमारे 264 से लेकर 300 क। बताया था ना ये जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो कहाँ पे था? 19F में और 31 में, जिसको हटा के कहाँ पे रखा गया है? 300 क में, ठीक है। और भाग 12 में है क्या? वित्त संपत्ति, ठीक है संविदाएं और बाद, ठीक है ये आपको वन बाई वन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी सिर्फ एक छोटा सा टेबल है इसको लर्न कर लो, बाकी तो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा भाग 13, ठीक है इसमें हमारे आर्टिकल हैं 301 से 307 तक, और इसका नाम क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। आगे हमारा भाग 14 और इसमें है हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है, ठीक है 308 से लेकर 323 तक है, और इस भाग का नाम क्या है? संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और हमारा है अगला भाग 15 जो कि इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है भाग 12, ठीक है आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो कौन से भाग में डाला गया है, तो भाग 12 अनुच्छेद 300 कौन है, और भाग 15 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो हमारे अनुच्छेद हैं वो है हमारे 324 से 329 ए या क, और इसका नाम क्या है?
निर्वाचन, क्या है इसका नाम, निर्वाचन। ठीक है, जो हमारे इलेक्शन होते हैं ना, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों, उसका सबका प्रोसेस यहाँ पे है, इन आर्टिकल में है। ठीक है, आगे आता है हमारा, लिख लिया ये सभी ने, रफ कर दूं? Yes, ma'am. आगे है भाग 16 कर लिए हमने, कितना किया 16 करना है, या कर लिया है? इसका है अनुच्छेद 330 से 342। ठीक है, इसमें इसका नाम क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा जो SC ST के लिए था, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाते हैं। ठीक है, वही है। और आगे है हमारा भाग 17, ये भी इम्पोर्टेंट है, 17 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें है आर्टिकल हमारे 340, 352, 351 तक। ठीक है, 343 to 351 तक, और इसमें है हमारी राजभाषा। अच्छा मुझे बताओ, राजभाषा का क्या मतलब है? ठीक है, राजभाषा से आप क्या समझते हो, क्या है राजभाषा? राजभाषा जैसे मैम हमारे देश की जैसे बड़ी सारी भाषा है, हर राज्य की अलग अलग, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में क्या अंतर है मैम? जो 28 राज्य है उनकी अलग अलग भाषा जो है, राज्य की अपनी अपनी भाषा है, उनको राष्ट्रीय मतलब दर्जा है, अलग से दिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राजभाषा मतलब राजकाज की ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें हम अपना काम करते हैं, जैसे कोर्ट का हो गया, कोई भी सरकारी काम जो है वो राजकाज की भाषा, तो हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, हमारी राजकाज की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, आगे है हमारा भाग 18, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें है अनुच्छेद 352 से 360 तक, और इसका नाम क्या है, आपात उपबंध या आपातकालीन उपबंध। अब इनसे क्या समझते हो आप, आपात उपबंध क्या होता है, कितने तरह के जो आपातकालीन उपबंध है, कितनी तरह के आपातकाल लगते हैं हमारे भारत में, और कितनी बार लगे हैं आपात इमरजेंसी? ठीक है, तीन तरह की लगती है, कौन कौन से? एक राष्ट्रीय आपातकालीन, और दूसरा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक है हमारी, देखो इसमें देख लो, एक है हमारी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये लगता है हमारा 352, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, ये अभी तक तीन बार लगा है, कब कब लगा है? 1962 जब चाइना ने भारत पे अटैक किया था। ठीक है, दूसरा लगा था 71 में, और तीसरा लगा था 75 में, इंदिरा ने जो लगाया था। ठीक है, और दूसरा हमारा राष्ट्रपति शासन, यह आता है अनुच्छेद 356 के तहत। अब देखो जो राष्ट्रीय है ना, ये पूरे राष्ट्र पे लगता है। ठीक है, हम कोरोना को एक नेशनल जो है इमरजेंसी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में ही लगा था ना, जब 22 को लगा था, आई थिंक नेशनल जो इन्होंने करा था लॉकडाउन, वो 22 को लगा था, 22 मार्च को लगा था, तो पूरे इंडिया में लगा था, यानी कि राष्ट्रीय जो है वो पूरे इंडिया में लगेगा। क्यों लगेगा? हमें बाहर से कहीं खतरा है, कहीं से आक्रमण का खतरा है किसी भी से, तो उस वजह से लगेगा। अगर राष्ट्रपति शासन जो होता है, ये लगता है स्टेट में,
राज्य में, जैसे हिमाचल में लग गया, या फिर अभी पीछे जैसे हमने लास्ट ईयर शायद जम्मू में पढ़ा था, ठीक है, तो ये स्टेट में लगता है, ये इंडिया में लगता है, ठीक है। और अगला है हमारा वित्तीय आपात, ये कितनी बार लगा है आज तक? अभी तक एक बार भी नहीं लगा। फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है, तो कितने हैं? तीन है। और ये आता है सी 60, यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत आता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो है वो तीन बार लगा है, और ये बहुत टाइम सबसे ज्यादा यही लगता है, क्योंकि इंडिया के जो 28 स्टेट है, किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, और ये लगता भी वो राष्ट्रपति शासन किस इसका बेस क्या है, क्यों लगाया जाता है? इनको तो मैंने बता दी कि हमें कोई बाहरी खतरा है, आक्रमण का खतरा है, या आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में जैसे इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, इसका बेस क्या है? इसमें भी मैं लगता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि अगर किसी भी राज्य में ऐसी कोई राष्ट्रपति थोड़ी आएगा स्टेट में, बच्चे राज्यपाल देगा ना अपनी जो रिपोर्ट होती है लिखित में, पर बेस क्या है कि संवैधानिक तरीके से जो है वो शासन नहीं चल रहा है, ठीक है। संवैधानिक जैसे संविधान में रिटर्न है, उस तरीके से अगर शासन नहीं चल रहा है, किसी स्टेट में गड़बड़ियां नजर आ रही है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है? राज्यपाल। नाम किसका है? राष्ट्रपति शासन लगाया, यानी कि राष्ट्रपति देख रहा है उस स्टेट को, लेकिन वो खुद थोड़ी आएंगे राष्ट्रपति, वो बेले थोड़ी ना, उनको और भी काम है। तो जो वो राज्यपाल वहां पे रहता है, ठीक है, वो काम राष्ट्रपति के जो निर्देश होंगे उनके अनुसार ही करेगा, लेकिन वो स्टेट में राज्यपाल रहेगा, ठीक है। आगे है हमारा भाग 19, भाग 19 प्रकीरण, इसको क्या बोलते हैं? मिसलिनियस, क्योंकि आपको हिंदी जरा टफ है, प्रकीरण और मिसलिनियस, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक है? ये है अनुच्छेद 361 से 367 तक, कहां से कहां तक? 361 से 367 तक। लिया सभी ने? हाँ, मिसलिनियस का मतलब क्या होता है? देखो, एक होती है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, और एक आती है मिसलिनियस, कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस ऐड करके दिए जाते हैं उनको मिसलिनियस बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा भाग 20 अनुच्छेद 368, और इसका नाम क्या है? संविधान संशोधन, अमेंडमेंट करनी है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो भाग 20 के तहत है, ठीक है, लिख लिया। आगे आता है हमारा भाग 21, और इसमें अनुच्छेद है हमारे 369 to 392, और इसमें है क्या? अस्थाई, ठीक है, या फिर संक्रमण काल, उसमें हमने कैसे क्या उपवन करने हैं, वो है हमारे इसमें भाग 21 में, ठीक है। और हमारा है भाग 22, ठीक है, ये हमारा लास्ट भाग है, और इसमें है 393 से लेकर 395 तक। देखो, अब आप बोलते थे कि आर्टिकल बढ़ गए हैं, यहीं तक हैं, 396 या 97 नहीं हुआ, सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, निरसन है, यानी कि कैंसिलेशन है। मैंने आपको पढ़ाया था 394, जब हमने स्टार्टिंग में संविधान पढ़ा था, जब स्टार्ट किया था कि कैसे कैसे बना, तो मैंने बताया था कि 1949 में हमारे जो थे 15 आर्टिकल जो थे उसी टाइम लागू हो गए थे, आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था, तो उसमें एक आर्टिकल था 394, तो कहीं पे लिखा है 15 है और कहीं पे लिखा है प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है? ये जो प्लस 1 है ये 394 है, और इसमें ये लिखा है ये 15 आर्टिकल कौन कौन है जो कि यहाँ पे आएगा, और बाकी जो निरसन रहे
या प्रारंभ रहा, ठीक है, वो सारे का सारा इसमें। ये तो छोटा सा हमारा टॉपिक था भाव अनुच्छेद।